हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन सुनवाई में छाया रहा पानी का मुद्दा। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर व एसपी ने लिया भाग। जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र की माह मई 2022 की जन सुनवाई का आयोजन गुरुवार को पंचायत समिति सभा भवन जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में रखा गया। जन सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी मलाराम द्वारा जिले नवीन जिला कलेक्टर निशांत जैन, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार व नवीन उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह चंदावत का स्वागत किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त विभागों की आमजन द्वारा प्राप्त समस्याओं पर चर्चा कर निस्तारण किया गया। इसी दौरान गजीपुर सरपंच चेतन कुमार ने जिला कलेक्टर को ग्राम खांडेल देवल में अवैध रूप से काटी गई आवासीय कॉलोनी के बारे में अपनी शिकायत रखी, जिस पर कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जसवंतपुरा को जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। सरपंच गजीपुरा ने बताया कि मनोहर जी का वास में गजीपुरा के लिए जो पाइपलाइन जा रही है वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन कर सिंचाई की जा रही है, जिस पर कलेक्टर ने अधिशासी अभियंता जालोर जलदाय विभाग को जांच कर अवैध कनेक्शन काटने की कार्यवाही करने हेतु पाबंद किया। जनसुनवाई की पृष्ठभूमि में उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा से सभा भवन में उपस्थित समस्त लोगों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनकर जिला कलेक्टर को बिंदुवार समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जनसुनवाई में छाया रहा पानी का मुद्दा। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अधिशासी अभियंता जालोर को हिदायत दी कि आप जहां पर पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो रहा है वहां पर सप्लाई सुचारू करवाएं तथा जिन जिन ग्राम पंचायतों में पानी की किल्लत है वहां पर पीने के पानी के टैंकर शुरू किए जाएं, जिस पर अधिशासी अभियंता जालोर ने जिला कलेक्टर को उपखंड क्षेत्र की संपूर्ण कार्य योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाया तथा जिन ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकर शुरू नहीं हुए हैं वहां पर जल्द ही शुरू करने के बारे में बताया। केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विशेष रुचि लेते हुए जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों से इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी से कार्य करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नवीनीकरण 31 मई 2022 तक हो रहे हैं, इसमें कोई भी परिवार छूट न जाए। इसी प्रकार पालनहार योजना के भी भौतिक सत्यापन के लिए ब्लॉक के समस्त अधिकारियों को टास्क देकर प्रगति चाही गई। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं के बारे में सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों को विस्तार से बताया तथा उनका लाभ लेने के लिए अपील की। जनसुनवाई के दौरान जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी वो ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।